फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कमज़ोर हड्डियों और टूटी हड्डियों को लोहे के समान यानी वज्र के समान फौलाद कैसे बनाया जा सकता है। कुछ लोगों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी टूटने लगती हैं और दोबारा वैसी स्ट्रांग नहीं बन पाती। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है कि आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं या फिर फ्रैक्चर हो चुकी हैं, तो इस फॉर्मूले को ज़रूर फॉलो करें। इस फॉर्मूले के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हाँ आपको पूरे बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं हम कमज़ोर हड्डियों को फौलाद के जैसा कैसे बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें जोगरी यानी कि गुड़। गुड़ में बहुत सारा कैल्शियम होता है। अगर हम इसे खाते हैं तो हमारी बॉडी में जितनी भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। इसीलिए आपको क्या चाहिए, गुड़ यूज़ करना है। अगर हम अकेला गुड़ भी खाते हैं तब भी हमारी बॉडी कैल्शियम की पूर्ति कर लेती है, लेकिन हम एक ऐसी घरेलू चीज़ बना रहे हैं जो टूटी हड्डियों को भी फौलाद बना सकती है। तो इसमें यूज़ हो रहा है गुड़। दूसरे नंबर पर यूज़ करते हैं घी। पुराने ज़माने में कहा जाता था घी खाने वाले लोग बहुत सुडौल और मजबूत होते हैं, तो इस लाइफस्टाइल में हमने इसे क्यों छोड़ दिया। आपने यूज़ करना है देसी घी 2 चम्मच, 1 चम्मच गुड़, और इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं हल्दी। हल्दी जो होती है ये हम सब जानते हैं कि वो हड्डियों को मजबूत बनाती है। ये सब चीज़ें अलग अलग हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती हैं, लेकिन अगर हम इनको एक साथ जोड़ दें और इनकी प्रॉपर क्वांटिटी भी लें तो हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको गुड़ लेना है, 1 चम्मच आपने हल्दी लेनी है, 2 चम्मच के करीब आपको देसी घी लेना है और 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी में आपने इन सब चीज़ों को बॉईल कर लेना है यानी उबाल लेना है। ये जब अच्छे से उबल जाए, बॉईल हो जाए, तो आप इसे गुनगुना कर लीजिए यानी हल्का सा ठंडा कर लीजिए और इसे पी लीजिए। ऐसे पीने से आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। ये ऐसा घरेलू नुस्खा है जो नुकसान नहीं फ़ायदा देगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ये थी एक ख़ास इन्फॉर्मेशन उनके लिए जिनकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं या बहुत कमज़ोर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई और ख़ास इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय।